शिवानी और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया का मसालेदार प्रोग्राम बॉलीवुड गपशप, जहां होता है आपका बॉलीवुड से डायरेक्ट कनेक्शन, क्योंकि यहां मैं आपको देती हूं बॉलीवुड की ताजा चटपटी और मसालेदार खबरें। तो देर किस बात की, हो जाइए तैयार खबरों की इस रेलगाड़ी में सवार होने के लिए हमारे साथ। और खबरों की इस रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सारा अली की मिस्ट्री मैन के साथ वायरल पिक्चर्स। जी हाँ, कौन है सारा के साथ दिखने वाले जेहान हांडा, जिसके साथ सारा अली खान अपनी तस्वीरें हमेशा शेयर करती रहती हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा वैसे तो हमेशा ही सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं। अब इन दिनों सारा ने एक नई तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें वो एक शख्स के साथ नजर आ रही है। अब सारा ने ये तस्वीर क्या पोस्ट की, सबने अटकलें लगानी शुरू कर दी। जी हाँ, सारा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर जेहान के साथ अपनी बीच पर बिताए छुट्टियों की कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर की हैं, जिससे उनके फैंस ये अंदाजा लगा रहे हैं कि सारा और जेहान के बीच कुछ तो चल रहा है। वो कहते हैं ना, इश्क एक ऐसा फूल है जिसकी खुशबू हवा में फैल ही जाती है। फिलहाल तो मिस सारा ने इस बात पर कोई कंफर्मेशन नहीं दी है, लेकिन तस्वीरों के कैप्शन में सारा ने लव यू और टेक मी बैक का स्टिकर जरूर लगाया है। इतना ही नहीं, जेहान ने भी एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें दोनों के बिताए यादगार पल नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए जेहान ने लिखा कि हमारे बीच प्यार और दोस्ती को कोई नहीं समझ सकता। अब फिलहाल इनके बीच किस तरह का प्यार है, इसका खुलासा तो भाई अब सारा और जेहान ही कर सकते हैं। वहीं इनकी तस्वीरों में दिख रही बॉन्डिंग से फैंस मन ही मन ये अंदाजा लगा रहे हैं कि यहाँ मामला शायद इश्क मोहब्बत वाला ही है। वैसे तो बॉलीवुड नगरी में अफेयर्स की खबरें आम बात है। अब अगर जाह्नवी कपूर की ही बात करें, तो हाल ही में खबरें सामने आई थी जब उन्होंने अपने मिस्ट्री मैन के साथ अपनी तस्वीरें शेयर की थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि उनके बेस्टीज में से कोई एक है। अब ऐसे में सारा का जेहान के साथ रिश्ता क्या है, इस पर कुछ भी कहना सही नहीं होगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू आजकल अपने अपकमिंग फिल्म हसीन दिलरुबा के प्रमोशन में काफी बिजी हैं। अब एक्ट्रेस से प्रमोशन के दौरान कई सवाल भी पूछे जा रहे हैं। अब हाल ही में तापसी से कंगना के ट्विटर बैन को लेकर सवाल पूछे गए, जिसका जवाब सुनकर कंगना बौखला गई थी। और अब हाल ही में तापसी से एक इंटरव्यू में करीना की बढ़ती फीस को लेकर सवाल किया गया। एक्चुअली तापसी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि सीता के रोल के लिए करीना ने अपनी फीस बढ़ाई है, जिसके बाद बेबो को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी होना पड़ा। और तापसी से यह सवाल किया गया तो ऐसे लोगों पर तापसी भड़क उठी, जो करीना को अपना निशाना बना रहे थे। तापसी का कहना था कि अगर कोई पुरुष ऐसा करता तो लोग ये कहते कि उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है। अब इस बात पर तापसी ने कहा कि अगर अब एक महिला फीस बढ़ाने के लिए कह रही है तो इसे बहुत मुश्किल और डिमांडिंग बता रहे हैं। तापसी ने आगे ये भी कहा कि आप हमेशा महिलाओं की सैलरी बढ़ने की समस्या के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए? करीना हमारे देश की सबसे बड़ी सुपरस्टार है, और वो अगर अपने समय में सैलरी मांग रही है तो ये उनकी जॉब है। तापसी ने इसके साथ ये भी कहा, माइथोलॉजिकल किरदार निभाने के लिए पुरुष फ्री में रोल नहीं करते हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर यह खबर भी वायरल हो रही थी कि करीना ने सीता के रोल के लिए अपनी फीस बढ़ाकर 12 करोड़ कर दी थी। कहा गया था कि बेबो इस फिल्म में सीता के नजरिए से दिखाई जाएंगे, जिसके बाद करीना को ट्विटर पर बैन करने की मांग होने लगी थी। अब बात करते हैं अनोखी और शौर्य की। क्या है ना, अब शादी हो गई है और शादी के बाद रिसेप्शन है, और रिसेप्शन की थीम थी ब्लैक। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शादी का फंक्शन है और थीम है ब्लैक। चिंता मत कीजिए, हमारी दुल्हन लग रही है बिल्कुल प्यारी। लेकिन इस खुशी के बीच जिसका डर था भाई वही हुआ। शगुन, जो कब से शौर्य और अनोखी के रिश्ते पर दाग लगाए बैठी थी, आज देखिए जैसे ही मौका मिला वो तो सीधे शौर्य के कमरे तक ही चली आई। शौर्य और अनोखी का रिसेप्शन खत्म हुआ तो घर वालों ने सोचा अब दोनों प्रेमी जोड़ों को साथ में समय बिताने दे। लेकिन 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 शगुन के रहते ये थोड़ा मुश्किल है। शौर्य और अनोखी के कमरे में शगुन जानबूझ कर गई, इतना तो समझ में आ रहा है, आस्था मैम और बाकी घर वालों को भी। और फिर क्या था, आस्था मैम ने लगा दी शगुन को डांट और कर दिया कमरे से बाहर। लेकिन शगुन हार मानने वालों में से तो है नहीं। अब देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। यूं तो बॉलीवुड स्टार्स खुल्लम खुल्ला इश्क लड़ाने में यकीन रखते हैं। कई कपल्स तो अपने प्यार को लेकर इतने ओपन हैं कि वो अपने लव केमिस्ट्री से फैंस को भी कपल गोल्स देते हैं, और तो और लव पार्टनर्स के साथ लिव इन में रहने की बात भी नहीं छुपाते हैं।
वहीं कुछ स्टार्स ऐसे भी हैं जो अपनी लव स्टोरी को पर्दे के पीछे छुपाए रखना ही पसंद करते हैं। बॉलीवुड में इन दिनों कई एक्ट्रेस चोरी छुपे इश्क लड़ा रही हैं। वैसे जमाने को इनके इश्क की खबर तो है ही, वो कहते हैं ना इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, लेकिन ना तो इन्होंने कभी अपने इश्क का सरेआम जिक्र किया है और न ही किसी ने इनके लव पार्टनर्स के चेहरे का दीदार किया है। अब अगर बात करें एक्ट्रेस जैकलीन की, तो मोहतरमा इश्क के समंदर में गोते लगा रही हैं, लेकिन उन्होंने अपना दिल किस दीवाने को दिया है इसे उन्होंने टॉप सीक्रेट रखा है। अपने नए प्यार का खुलासा अभी तक नहीं किया है। रिपोर्ट्स की माने तो जैकलीन साउथ के रहने वाले एक बिजनेसमैन को डेट कर रही हैं। वहीं खबरें ये भी हैं कि जैकलीन अपने सीक्रेट लवर के साथ लिव इन में रहने का फैसला भी कर चुकी हैं। सुनने में आया है कि जैकलीन और उनके बॉयफ्रेंड ने मुंबई में घर भी खरीद लिया है। हालांकि इन खबरों पर जैकलीन ने अभी तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। बोल्ड एंड ब्यूटीफुल मौनी रॉय आए दिन अपने स्टनिंग लुक से फैंस की तारीफें तो बटोरती ही रहती हैं। अगर बात करें उनके लव अफेयर्स की, तो इसकी वजह से भी ये मैडम हमेशा चर्चा में छाई रहती हैं। लंबे वक्त से मौनी रॉय सूरज नामब्यार को डेट कर रही हैं, लेकिन अपने रिलेशनशिप को लेकर मौनी काफी प्रोटेक्टिव हैं। मौनी ने आज तक सूरज के साथ अपनी लव स्टोरी की खबरों पर अपना कंफर्मेशन नहीं दिया है। साल की शुरुआत में ही खबरें आई थी कि मौनी और सूरज जल्द ही शादी करने वाले हैं, लेकिन मिस मौनी ने इस बात पर अभी भी चुप्पी साध रखी है। बॉलीवुड गपशप में फिलहाल के लिए इतना ही। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स की लाइफस्टाइल, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सी, हर खबर मिलेगी बॉलीवुड गपशप पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।